हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल परफेक्ट 24। परफेक्ट 24 की किचन में आज हम बना रहे हैं बहुत ही डिलीशियस पाइनएप्पल केक। और ये अपसेट डाउन केक है जो बहुत ही इजीली बन जाता है। आइए मेरे साथ बनाते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे एक पैन लिया है। पैन में मैं 200 ग्राम्स ये लाइट ब्राउन शुगर है वो डाल रही हूँ। इसे हमें ज्यादा कैरेमल नहीं करना है, जस्ट थोड़ा सा पिघलाना है और इसमें जल ना जाए करके। इसमें मैं 1 टेबलस्पून पानी डाल रही हूं ताकि हमारी शुगर जले ना, बस इसे पिघलने देंगे। हम परफेक्ट 24 में ऐसी बढ़िया बढ़िया रेसिपी लेके आते हैं जो घर में बहुत ही झटपट बन जाती है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और कमेंट करने ना भूलें। देखिए हमारी चीनी पिघल रही है। इस मोमेंट में मैं ये ऑलमोस्ट 55 ग्राम है, 55 टू 60 ग्राम्स आप ले सकते हैं। ये बटर है, नॉर्मल सॉल्टेड बटर है, आप इसमें डालें, अच्छे से मिक्स करें। गैस कम पर ही है, अच्छे से मिलाएं बटर और चीनी को। इसमें अभी हम हाफ लेमन डालेंगे। इसे अभी हम अपने मोल्ड में डालेंगे जिसमें हमें केक बनाना है। हम स्क्वायर टिन में बना रहे हैं, इसमें डाल देंगे। इसे अच्छे से फैला दें पूरे इसमें। ये अच्छे से हमने फैला दिया है हमारा। अभी ये हमारे पाइनएप्पल जो हमने कट करके रखे इसे मैंने घर पर ही कट किए हैं। आप मार्केट के टिन वाले भी यूज कर सकते हैं। इसे पूरा हमें कवर करना है इस बेस को। मुझे पूरा कॉर्नर टू कॉर्नर भरा हुआ अच्छा लगता है। आइए अभी इसे अलग रखते हैं और हमारे केक की तैयारी करते हैं। हमें केक बनाने के लिए बटर मिल्क लगेगा। मेरे पास बटर मिल्क है नहीं तो मैंने ये नॉर्मल दूध लिया है, ये 3/4 कप दूध है। और ये विनेगर लिया है नॉर्मल अपना व्हाइट विनेगर, ये 1 टेबलस्पून है, मैं इसमें डाल दूंगी। और इसे अभी बस हम साइड में रख देंगे और बाद में इस्तेमाल करेंगे। एक बड़े बाउल में हम 3 अंडे हम डालेंगे इसमें। इन अंडों को पहले हम हाथों से अच्छे से फेंट लेंगे। ये 3/4 कप चीनी ली है मैंने, ये इसमें डाल देंगे और फिर एक और बार फेंटेंगे इसे। चीनी जब तक मिल ना जाए तब तक हमें इन्हें फेंटना है। इसे अच्छे से फेंटें। ये 1/3 कप मैंने सनफ्लावर ऑयल लिया है, ये मिक्स करेंगे। मिल गया है। अभी हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें डालेंगे। हमने तेल को अच्छे से फेंट लिया है। इसमें अभी हम 1/4 टीस्पून वनीला एक्स्ट्रैक्ट डाल रहे हैं, अच्छे से मिलाएंगे। आइए हम पहले देखें ड्राई इंग्रेडिएंट्स क्या है। ये मैंने 1.5 कप मैदा लिया है, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा है ये। और अभी ये थोड़ा थोड़ा करके हम हमारे वेट इंग्रेडिएंट में मिलाएंगे। हम हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स एक बार छान लेंगे, छान के ही डालेंगे। अभी इन्हें कट एंड फोल्ड मेथड से मिलाएंगे। जो हमने हमारा बटर मिल्क बनाया है वो डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके पूरा धीरे धीरे करके डालेंगे और मिलाएंगे इसे।
देखिए अभी अच्छे से मिल गया है ये। इसमें अभी जस्ट ये नटमेग डालेंगे या जायफल, 1/8 टीस्पून के करीबन डालेंगे हम इसमें, ज्यादा नहीं चाहिए हमें, जस्ट द फ्लेवर ऑफ इट। इसे भी फिर से एक बार हल्के हाथों से मिला देंगे। अभी हम अपना बैटर जो हमने टिन प्रिपेयर किया था उस पे हल्के से डालेंगे। बैटर अच्छे से फैला देंगे पूरे कॉर्नर टू कॉर्नर। अभी इसे हम अच्छे से टैप करेंगे एक दो बार ताकि जो भी एयर बबल्स है वो निकल जाए। आइए इसे अभी हम बेक करें प्री हीटेड ओवन में, 160-170 के बीच में आप कर सकते हैं, 35-40 मिनट्स, पर मैं इसे 30 मिनट के बाद चेक करूंगी एक बार। केक हो गया हमारा, मैंने इसमें टूथपिक डाल के देख ली थी, देखिए क्लीन आई है अभी हमारी टूथपिक। इसे ऐसे ही ठंडा होने देंगे और बाद में हम इसे टर्न करेंगे। इसे मैंने ऑलमोस्ट 40 मिनट्स बेक किया है 160 डिग्रीज पे। देखिए हमारा केक अभी बिल्कुल ठंडा हो गया है, बिल्कुल सॉफ्ट बना है हमारा केक। आइए इसे अभी हम अनमोल्ड करें। अभी अनमोल्ड करें इसे। देखिए कितना बढ़िया केक लग रहा है। हमने जो ब्राउन शुगर ली थी उसका कितना बढ़िया कलर आया है। बहुत ही बढ़िया जूसी सा बना है हमारा केक। आइए इसे भी कट करें। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। देखिए बहुत ही बढ़िया बना है, जरूर बनाइएगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें मेरे चैनल परफेक्ट 24 को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।